हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ किरण और अब मैं हो गई बिल्कुल ठीक। कि जो मेरा तबीयत था वो बिल्कुल सही हो गया। और अभी का जो टाइम हो रहा है वो है 3:30 और आज है संडे। तो ये ब्लॉग मैं अभी से शुरू कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस। तो और हस्बैंड के रहने के बाद जो है मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ क्योंकि इतना सारा काम हो जाता है कि उसको करना, फिर उसके बाद हस्बैंड को संभालना। तो जो है ना ब्लॉग को मैं बोलती हूँ कि ब्लॉग इनके चले जाने के बाद ही मैं करूँगी क्योंकि ब्लॉग बनाने के लिए मेरे पास प्रॉपर पूरा पूरा टाइम रहता है, लेकिन हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम तो फिक्स होता है ना, और ब्लॉग बनाने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि आपको इतने टाइम पे ही बनाना है, यही चीज़ दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं। और आज मैंने धोया अपने बाल तो इसके वजह से मेरे बाल जो है ना थोड़े से बहुत सिल्की हो रहे हैं, तो अभी सूखे नहीं। मैंने अभी तुरंत कंघी किया है। सुबह से मैं धो के ऐसी रहती, काम वाम कर रही थी, और अभी मैंने धोया था रजाई कवर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2-3 दिन बीमार हो जाने से प्रॉपर 2 दिन लगा मुझे पूरे घर की सफाई करने में, फ्राइडे और सैटरडे। आज मैंने कोई काम नहीं किया है क्योंकि मेरा पूरा सफाई हो चुका था। और ये आ रहा है मेरे फेस पे अभी धूप है, और अभी मुझे लगाना है रजाई में कवर। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे बहुत जल्दी सिंपल से हम रजाई के कवर लगा लेते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ सिंपल सा तरीका जो बहुत जल्दी लग जाता है। ये है मेरे रजाई का कवर और ये अभी उल्टा साइड है। ये मैंने घर पे बनाया है, धोती जो होता है ना, धोती मुझे क्योंकि वाइट वाइट बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे पास धोती पुराना पड़ा था तो उसका मैंने बना लिया। और ये है, आप देख सकते हैं, उल्टा साइड। और मैंने ऐसे सीधे साइड से करके दोनों किनारे पे ऐसे हाथ लगा लिया। अब मैं इन दोनों किनारे पे रजाई का जो हमारा किनारा है उसमें हम दोनों किनारे को पकड़ के और ऐसे पलट देंगे, और उसके बाद हम खड़े होके इसको सीधा कर लेंगे। और इस तरह करके हम रजाई को जो है ना बिल्कुल खड़ा कर देंगे। एक बार झाड़ दिया तो देखिए कितना जल्दी जो है ना पूरे रजाई में कवर बहुत आसानी से लग गया, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा भी इधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, बिल्कुल साइड पकड़ लेता है अपना। और ये ना कॉटन का होता है धोती, जो धोती पहनते हैं ना दादा दादी सफेद कलर का, वो ये वाला ये धोती है और बिल्कुल कॉटन है। इसको प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है, धो के मैंने इसमें नील डाला है प्रॉपर, और उसके बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसका मुंह अभी मुझे पकड़ के दोनों का सिल देंगे, तो ये हो गया अच्छे से। और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब कलरफुल कवर से मुझे ये वाला कवर बहुत अच्छा लगता है। होटल वाला जो है ना वो देता है लुक आता है, जैसे होटल में सब कुछ वाइट वाइट हो ना, तो ऐसे। और ये लगाना बहुत आसान है, इस तरह करके आप कोई भी कवर लगा सकते हैं। नहीं तो एक कोना इधर जाता है एक कोना उधर जाता है पकड़ के, फिर सही से नहीं लग पाता है, तो ऐसे करके और कर दीजिए आप। आज मुझे करना है अपनी मछली का पानी चेंज। 8 दिन हो गया मैंने इसका पानी बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, और ठंड लग रहा होगा उसको। तो चलिए पहले कवर मैं का मुंह बंद करती हूँ, उसके बाद thank you.
और ये देखिए मैंने कितना महीन महीन सिला है। ऐसे पता भी नहीं चलेगा, और इतना तो आ ही जाना चाहिए कि हम अपना काम छोटा मोटा आसानी से कर सके। इस तरह करके मैंने पूरा सिल दिया और ये हो गया, निकलेगा भी नहीं, इधर उधर कितना भी करो बिल्कुल अपने साइज पे रहेगा। और इसका जो पानी है ना बहुत गंदा हो गया था और इतना ठंडा हो गया, लग रहा था जैसे उसमें बर्फ पड़े हुए हैं। और अब अभी बहुत अच्छे से खेल रही है, पता नहीं यहाँ से दिखेगा नहीं, बहुत उछल रही है। जब भी हम पानी चेंज करते हैं तो बहुत खेलती कूदती है नया पानी देख के, और एक एनर्जी सा आ जाता है, नहीं तो एकदम शांत से हो जाती है। कभी कभी मैं उसको ना धूप में ले जाके रख देती हूँ तो भी बहुत खेलती है, क्योंकि ठंड तो सबके लिए है ना, चाहे वो इंसान हो जीव हो कुछ भी हो। और अभी जो है बाहर सब कोई अपने अपने घरों में चला गया है, कोई नहीं दिख रहा है। और अभी हो रहा है 4:30, और जस्ट 1 घंटे के बाद जैसे 5:30 होता है इतना अंधेरा हो जाएगा, इतना अंधेरा हो जाएगा कि मतलब लगेगा कि रात के बज रहे हैं 12:01। ऐसे अंधेरा, इतना मौसम चेंज मतलब हो रहा है, इतना जल्दी जल्दी डिफरेंस हो रहा है। और मुझे करना है अभी किचन में थोड़ा सा काम, किचन पूरा फैला हुआ है तो उसको समेटते हैं। मुझे करना है थोड़ा सा मटर फ्राई, क्योंकि चूरा फ्राई करके मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था तो वो भी करते हैं। और मैंने कर दिया यहाँ पे सेट फोन ट्राइपॉड पे, और मैं बनाने जा रही हूँ अभी चाय। और अभी मैं चली गई थी दूध लाने जाने में यार बहुत लेट हो गया था, और मेरा जो काजल है ना फैल रहा है। इस बार ना मैंने लिया है ब्लू हेवन का, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है काजल। इसके पहले मेरा ना कलरलेस का था वो वाला काजल, उसका लीप कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बार मैंने ब्लू हेवन का लिया है, ये इतना फैल जाता है ना, मुझे लगाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है इसको। आज मैंने कितने दिन के बाद तो लगाया, और दूध लाने में लेट इसलिए हो गया क्योंकि शाम को मैं चली गई थी लाइफ 5:30 के बाद शायद गई थी, हाँ 5:30 के बाद मैं गई थी लाइफ। और ज्यादा नहीं, मुझे ज्यादा कुछ बोलना ही नहीं था, मुझे बस थोड़ा सा बोलना था, क्योंकि इतने इतने कमेंट, ये कमेंट कम और ये हो रहा है ना कि मतलब अगर मैंने अपने वीडियो में कोई एक ऐसा वर्ड बोल दिया है अपनी लाइफ के बारे में, अपनी अपने बारे में कि मैं ऐसा करती हूँ ये करती हूँ, यार उस वर्ड को पकड़ के एक टॉपिक बन गया, इस यूट्यूबर ने ये बात बोली, कैसे बोल सकती है ये, कैसे कर सकती है, मतलब ये हो क्या रहा है? हम ब्लॉग बनाते हैं, हम अपनी लाइफ रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, हमारा लाइफ कैसा है कैसा चल रहा है, ये सारी चीजें हम बता रहे हैं। चलिए बात करते हैं पहले चाय पी के, फिर मुझे बहुत गुस्सा आ गया अभी। हे गाइस, फाइनली मैं आ गई हूँ बेड पे, और अभी का जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है
11:32, 11:32 तो मैंने फाइनल खाना वाना सारा कुछ खा लिया। डिनर कुछ बनाना नहीं था, मेरा बचा हुआ था तो वही मैंने खा लिया। हस्बैंड से बात हुआ था तो वो बोले कि मैं दूध पी के सो जाऊंगा, मत बनाना खाना। मैंने कहा चलो सुबह में, और मैंने बनाया था आलू मटर टमाटर का सब्जी सुबह में, तो वही बचा हुआ है। और चूंकि सुबह हम लोगों ने साग के साथ चावल खा लिया था तो सुबह सब्जी बना के मैंने वैसे ही रख दिया था, वैसे ही पड़ा था, तो अभी खाया। और अभी खाने से वो खत्म भी नहीं होने वाला है। और आप लोग बोलेंगे इतने देर के बाद मैंने ब्लॉग में क्यों नहीं दिखाया मैंने क्या किया, तो जब मूड ऑफ हो जाए ना तो फिर कोई काम करने का मन ही नहीं करता है, चाहे वो कितना भी अच्छा काम क्यों ना हो। उसी तरह मैं जब लाइव आई थी तो कुछ ऐसी बातें मुझे याद आ गई, मैंने लाइव में वो सारी चीजें बताया भी। एक तो मैं वैसे भी किसी का भी नाम नहीं लेती हूँ, मैंने मेरे जितने भी आप लोग वीडियो देखोगे ब्लॉग देखोगे ये जिस टाइप का भी है सबसे अलग है। मुझे जो एक्सपीरियंस होता है मैं वही चीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो ब्यूटी टिप हो, किचन से रिलेटेड हो, या फिर ब्लॉग में कोई ऐसी बात हो। बट मेरा नाम आप अपने वीडियो में क्यों ले रहे हो, मैंने क्या किया आपका इस तरह से, मतलब ये चीज YouTube पे घमासान मचा हुआ है। उसके ब्लॉग में उसने क्या बोला, उसने अपने वीडियो में क्या बोला, ये वो ये वैसे क्यों कर रही है, ये ऐसा क्यों बोल रही है, ऐसे क्यों कहाँ जा रही है, ऐसे कपड़े क्यों पहन रही है, मतलब क्या है सर दर्द यार। जो सब्सक्राइबर जो कमेंट कर रहे हैं उनका रिप्लाई उनका मैसेज तो एक ऑलरेडी है, ऊपर में जो ब्लॉग बनाते हैं जो वीडियो बना रहे हैं वो अपने टॉपिक में ये चीज अंडर किए जा रहे हैं। सो गाइस मैं फाइनली इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल ये स्टॉप कर देती हूँ। तो चलिए आप लोग जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पास का बेल का आइकन है आप उसे भी दबा लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ ना तो उसके पहले आपके पास टिन 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 करके और वो बजे, ताकि आपको पता चले कि मेरा वीडियो आ गया आपके पास। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरे वीडियो को वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको भी फायदा पहुँचे। अब प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ गलती आ रहा है। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। गाइस तब तक के लिए बाय।